चैनल सब्सक्राइब कर दें, आप लाइक करें, वीडियो देखें, अच्छी वीडियो बनाते हैं, अच्छी व्लॉग बनाता है अमित भाई के सब्सक्राइबर ही मैं सारे वीडियो देखता हूं। मैंने अमित भाई के बहुत वीडियो देखे, मतलब इनका जो कॉन्फिडेंस है ना कैमरे के सामने, एक अल्टीमेट कैमरा है। कि बीच से एक टाइगर दिखाता हूं, टाइगर हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित विश व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब, आई होप अच्छे होंगे। और गाइस मेरे साथ है रोहित। हेलो। आज हम जा रहे हैं एक स्पेशल जगह, मैं आपको बताऊंगा नहीं, रास्ते में चलते चलते आपको सब पता चल जाएगा। सो गाइस आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। फाइनली अब हम उतर चुके हैं बाइक से, अब हम जा रहे हैं उस जगह की तरफ को, और अभी हम पैदल पैदल निकलेंगे उस तरफ, क्योंकि यहाँ से बाइक भी जा सकती है, बट हमने बाइक वहीं पे खड़ी कर दी क्योंकि रास्ता थोड़ा सा ठीक नहीं है। और नेचर का मज़ा लेते हुए जाएंगे आपसे बात करते हुए। और नदी किनारे है बिल्कुल, और आप मेरे पीछे देख रहे हो इस एरिया में टाइगर भी देखे जाते हैं, और यहाँ पर एक रिज़ॉर्ट भी है, और मैं आपको रिज़ॉर्ट के बारे में बताऊँगा। फिलहाल उस जगह की तरफ चलते हैं जहाँ हम जा रहे हैं। और कैसा लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया। और गाइस मौसम भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे थोड़ी सी धूप है बट ओवरऑल ठीक है मौसम। और इस तरफ एक रिज़ॉर्ट भी है, क्या नाम है रिज़ॉर्ट का, और कॉर्बेट रिवर साइड। और गाइस मैं एक बार आपको दिखाता भी हूँ, इसका नाम है कॉर्बेट रिवर साइड रिज़ॉर्ट, और काफ़ी ब्यूटीफुल जगह पे है, अमेजिंग एकदम नदी के किनारे पर। और ये जो नदी है ये है कोसी नदी, इस तरफ ये आपको पहाड़ी दिख रहे होंगे, यहीं बगल में बह रही है कोसी नदी, और उसके साथ लगा हुआ है कॉर्बेट रिवर साइड रिजॉर्ट, तो इसे नाम पे ही पड़ा हुआ है। और हमको जाना है इस तरफ, सो गाइस चलिए उस तरफ। सो गाइस अब हम चल रहे हैं उसी रास्ते की तरफ को, और यहाँ पे थोड़े से मोड़ भी काफ़ी एकदम से ना, सही रास्ते पे जा रहे हैं ना? हाँ हाँ सही रास्ते पे जा रहे हैं। और गाइस अब थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा आ रही है क्योंकि हम बिल्कुल नदी के पास पहुँच गए हैं। जंगल भी घना होती है, जंगल भी घना हो रहा है। और ये नदी जो है ऊपर गर्जिया की तरफ से आ रही है, नदी के उधर ही दिखाएंगे ना, ये पुल पे तो जा रहा होगा सीधे। हाँ ये तो पुल पे जा, काफी सही लग रहा है एकदम ना, फर्स्ट क्लास, काफी अच्छी जगह है, एकदम ऐसा लग रहा है कि ट्रेकिंग पे जा रहे हैं। और गाइस ऐसा लग रहा था कि यहीं कहीं टाइगर ना दिख जाए क्योंकि रास्ता काफी घना है, और बट आपको बताया अभी हमको स्पॉटेड डियर दिखा, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में, चीतल ना, चीतल कहते हैं। और गाइस उसे चीतल भी कहते हैं यहाँ पे, और सडनली निकला, हम उसे कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि हमने कैमरा अपनी तरफ किया था, और वो काफ़ी तेज़ी से भाग गया। और अभी हम बिल्कुल नदी के पास पहुँच चुके हैं, अब यहाँ पर लोग अक्सर नहाते हैं, ये है ना देख रहे, ये नदी आ चुकी है यहाँ पर, और ये बिल्कुल पहाड़ से लगी हुई है, ये नदी आ रही है गर्जिया की तरफ से, और हमको जाना है उस तरफ, हमारी डेस्टिनेशन उस तरफ है, बट अभी हम लोग ये वाले रास्ते से चलते हैं क्योंकि ये रास्ता ज़्यादा सेफ़ रहेगा, नदी का कोई भरोसा नहीं होता कभी भी आ जाए, सो हमेशा सेफ़ रहना चाहिए, तो चलते हैं इसी तरफ को। आज विजय नहीं आया ना? आज विजय नहीं आया, उसे थोड़ा सा काम आ गया था तो वो रुक गया, और हम दोनों आए आज। और हमने सोचा था कि मन्नू को भी पकड़ें क्योंकि मन्नू ने लास्ट वाली वीडियो में थोड़ा सा, ये वाला रास्ता है, जब लास्ट समय आए थे तो ये रास्ता थोड़ा ठीक था ना? हाँ। अभी क्या में थोड़ा ये पैर में हाथ पास जम गई है पानी के, हाँ क्योंकि इसमें दिक्कतें आ जाती काफी बरसात में, गाइस काफ़ी दिक्कतें आ जाती इस जगह पर। गाइस आप ये देख रहे हैं ये छोटे छोटे ग्रासलैंड टाइप के होते हैं, ऐसी घास ही होती है जो ग्रासलैंड में होती है, और आपको ग्रासलैंड के बीच से एक टाइगर दिखाता हूँ, टाइगर चेहरा दिखाओ भैया अपना। और गाइस ये है टाइगर धनपुर का, पंजा दिखाओ अपना
तो अभी इस वाले रास्ते ही चलते हैं वापस से। भाई मैंने पहले ही कहा था कि इसी रास्ते चलते हैं, देख ये वाला रास्ता ठीक है, वो वाला ख़राब हो रहा था। ये लोग ये जिप्सी वाला रास्ता होगा ना शायद। हाँ सही लग रहा है, वहाँ पे आए नहीं क्या लोग? एक तो है यार। फाइनली पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन पे, और आप देख रहे हैं पीछे ये है यहाँ का झूला पुल। और गाइज ये बहुत फेमस जगह है, जब आप गर्जिया की तरफ आएंगे तो इस जगह पे ज़रूर आइएगा, क्योंकि एकदम ऑसम प्लेस है यहाँ पे। और इस जगह की खास बात है ये पुल जब हवा चलती है तो काफ़ी हिलता है, तो लोग काफ़ी डर लगता है इस जगह पर आके। सो काफ़ी अमेजिंग जगह है, तो ज़रूर आइएगा इस जगह पर। और चलिए मैं आपको एक बार नज़दीक से दिखाता हूँ। अभी हम इसी पुल के ऊपर खड़े हैं, काफ़ी मज़ा भी आ रहा है, थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि हिल रहा है, जरा हिलाना भाई थोड़ा सा। इसके ऊपर चलेंगे तो ये थोड़ा सा हिलता है, और हवा चल रही होती तो ज़्यादा ही हिलता है। और गाइस ये एक तरह का सस्पेंशन ब्रिज है, पूरी तारों से बंधा हुआ है, और ये अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ है, यानी ब्रिटिशर्स ने बनाया था ये पुल, और इस तरफ लोगों नदी पार करने के लिए, क्योंकि बरसात में काफ़ी तेज़ हो जाती है नदी, ये कोसी नदी है। और इस जगह पर काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, कैसा लग रहा था यहाँ पे? इसके ऊपर काफी अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है, मजा आ रहा है, और उस तरह चलते पार आपको कुछ और भी दिखाते हैं। सही है ना, पानी भी काफी आज काला हो रहा है यार, पानी मिट्टी वाला हो रहा है ना, पर काफी तेज। हम इस तरफ से आए थे, बाइक एकदम फर्स्ट क्लास ना, मजा आ रहा है। और हमको जाना है इस तरफ, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। कैसा लग रहा था ये? हिल रहा है यार, ये तो बहुत तेज हिल रहा है, नहीं गिरेगा यार, अंग्रेजों ने बनाया भाई उस समय का। और लोग अक्सर इस जगह पे आते हैं और नहाते भी हैं, बट मैं आपको अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा कि आपको इस जगह पे कभी आके नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि इन जगहों का पानी का कुछ गहराई का पता नहीं होता एग्जैक्टली क्योंकि कितनी गहरी है ये। और जहाँ पे भी मैं खड़ा हूँ आप नीचे देख रहे होंगे काफ़ी गहरा है, और खतरा है तुम्हें पानी से, ठीक है? पानी से बच के रहो, जाओ। धन्यवाद, जाओ जाओ जाओ। पानी आगे चलते हैं अब, और ये कुछ इस तरह है अभी। सही है ये जगह, हम लोग मैं पहले भी आऊँ तो आया इस जगह पे? हाँ बहुत बार, ये भी बहुत बार आया है, सो सोचा आपको एक जगह दिखाए, काफ़ी अमेजिंग जगह है। और इस तरफ ये बंधा हुआ है तारों से, जहाँ इसके अंदर से तारे हैं, और यहाँ पे आवाज़ भी टकरा रही ना, आवाज़ टकरा रही यहाँ पे। और इस तरफ ऐसे बैठने वाले भी बनाए कुछ, काफ़ी हरियाली है इस जगह पर, इसके अंदर होता ना सारा सामान। और अब हम आ गए इस तरफ, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं यही वो जगह है जहाँ से कसे रहते हैं सारी तारे जो ये पुल की हैं। और रोहित भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है इस तरफ से, भाई कैसा दिख रहा है तू? और नज़ारा भी काफ़ी अच्छा है, रोहित भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और मैं भी काफ़ी अच्छा दिख रहा हूँ, और आपको कुछ और नज़ारे भी दिखाते हैं, तो मेरे साथ चलिए। इस तरफ जो जंगल बता रहे थे यहाँ पे, मतलब बहुत सही कह रहे थे ना? हाँ घना जंगल है, अच्छे व्यू आते हैं। और गाइस इसके अंदर काफ़ी लोगों ने अपने नाम लिखे हैं, प्यार भरे नाम, ये लफ्स वो, और वो लफ्स ये, सो दीवारें ख़राब कर दी उन्होंने। अरे ये सब नहीं करना चाहिए। तौबा तौबा, थारा मूड ख़राब कर दिया ये, पता है ना? हाँ क्योंकि यार गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी को ऐसे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, उसमें नाम लिख के क्या होगा यार, नाम लिख जाते हैं उसको फिर दीवार खरोद देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो काफ़ी बेकार लगता है। और गाइस ये पीछे का जंगल है यहाँ का, एक बार आपको दिखाता हूँ यहाँ से, और ये यहाँ का जंगल है, देख रहे हैं आप कितनी हरियाली यहाँ पे। और इस तरफ आपको इजीली जानवर दिख जाएंगे, यहाँ पे बोल रहे थे कि यहाँ पे डियर भी दिख जाता है आसानी से ना, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का। एक बार नज़दीक से दिखाते हैं, थोड़ा सा अंदर को चलेंगे। सो मैं आपको बोलूँगा कि जब आप गर्जिया की तरफ आएँ तो इस जगह पर भी आइए, लोग काफ़ी आते हैं यहाँ पर फ़ोटो शूट करने ना। हाँ झूला फुल काफ़ी फेमस है इसलिए भी, क्योंकि लोग यहाँ पे फोटो शूट करने भी आते हैं, क्योंकि एकदम व्यू बहुत अच्छा आता है नदी के ऊपर, और हवा चल रही होती है तो, और आपके अगर बड़े बड़े बाल हों तो फिर वो भी उड़ते हैं, वाह अलग ही फोटो शूट में क्या पिक्चर्स आती हैं एकदम। गाइस अब हम एंटर कर चुके हैं इस घने जंगल में, आप देख रहे हैं ये रोड कहीं को जा रही है शायद ना,
और मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, एकदम ऐसा लग रहा है मैन वर्सेस वाइल्ड वाले बेयर ग्रिल्स की तरह फील आ रहा है। तुझे कैसा लग रहा है भाई? भाई मुझे तो डर लग रहा है, जंगल घना होता जा रहा है, तो थोड़ा चलते हैं अब यहाँ से। वापस चलेगा क्या? वापस चलते हैं भाई, यह तो घना जंगल हो रहा है, तो डर लग रहा है भाई, टाइगर आइगर ना आ जाए कहीं आगे से। ऐसे हम वहाँ से वापस आ गए थे क्योंकि रोहित को थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि जैसे जैसे जंगल घना होता जा रहा था कह रहा भाई वापस चले। सो अभी हम इस पुल के ऊपर ही खड़े हैं और अभी मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, आसमान में बादल है तो धूप भी नहीं है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इस जगह पे आके, और हवा भी चल रही है और नज़ारे भी काफ़ी अच्छे हैं। इस जगह पे ज़रूर आइएगा, मैं हम लोग तो अक्सर आते हैं इस जगह पे क्योंकि यहाँ पे फोटोग्राफी करने का काफ़ी अच्छा रहता है, जब जब मौका मिलता है इस तरफ को आने का। अभी तक तो कितने बार आ गया होगा भाई? तो बहुत बार आ चुके हैं और काफ़ी सही जगह है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। थोड़ी देर हम यहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद चलेंगे यार। हाँ हाँ, थोड़ी देर यहाँ पे वेट करते हैं। और पानी भी, आज तो पानी बहुत है यार, पानी तो बहुत प्यारा है भाई। हाँ पानी बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने अपनी बाइक भी काफ़ी ऊपर खड़ी करी है, सो अब उनको पैदल ही जाना पड़ेगा, जहाँ से हम आए थे उसी रास्ते हम पैदल जाएंगे। इस बार दूसरे वाले रास्ते से चलते हैं। दूसरा रास्ता मतलब मेन रोड की तरफ से चलेंगे ना? ठीक है, वहाँ से। हाँ तो इस बार उस तरफ से चलते हैं, और यहाँ से लोग अक्सर जो पीछे एक गाँव है वो लोग भी इसी रास्ते से नदी पार करते हैं, और कुछ जानवर है यहाँ पे वो भी इस तरफ से पार करते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ गोबर भी पड़ा हुआ है। सो यहाँ पे जो गाय भैंस होती होंगी वो भी यही रास्ते का यूज़ करती है, वो भी ऐसी नदी पार करती है क्योंकि नदी का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि इसे भी डर लग रहा था, जानवरों को भी डर लग रहा है, सबको डर लग रहा है यहाँ पे। बट ओवरऑल काफ़ी अच्छी जगह, एकदम बहुत ब्यूटीफुल जगह है, मज़ा आएगा। सो अब हम चलें यहाँ से। चलो अब हम ऐसे चलते हैं, ऐसे चल रहे हैं क्योंकि भाई मौसम भी तो अच्छा हो रहा है, बट रुकने का मन तो कर रहा है लेकिन यार लेट हो जाएगा ना। हाँ बारिश का मौसम हो रहा है ना, ऊपर से बादल लग रहे हैं। और अब मेरा मन कर रहा है चाय पीने का, क्योंकि मैं भी अंदर से प्योर पहाड़ी हूँ और आज मैंने सुबह की चाय भी नहीं पी है, और ये तो पीता नहीं, तो मैं पीऊँगा चाय। ऊपर एक चाय की दुकान है तो वहाँ पर चाय पियेंगे, उसके बाद फिर भाई क्या करेंगे? उसके बाद घर चलेंगे। घर चलेंगे, थोड़ा देर रामनगर रुकेंगे और रामनगर में कुछ खा लेंगे, यार भूख भी लग रही है। उसके बाद ये वहाँ भी नहीं खाएगा क्योंकि ये सिर्फ घर का खाना खाता है और ये चाय भी नहीं पीता है, ये बहुत आज्ञाकारी है। है भाई बहुत आज्ञाकारी है ये बहुत आज्ञाकारी है, बाहर का फूड है वो ये अवॉइड करता है, बट मैं खा लेता हूँ बाहर का, चलता है थोड़ा बहुत कभी कभार। देखिए देखो हाथी का बल पड़ा हुआ, और इस रूट में अक्सर हाथी भी आता होगा क्योंकि वो कुछ यहाँ पे निशान भी दिख रहे हैं और बाकी आप समझ सकते हैं। अभी हम दूसरे वाले रास्ते से जा रहे हैं, ये थोड़ा सा शायद हमको लंबा पड़ेगा क्या? ये हमको शॉर्ट पड़ेगा, और ये हमको सीधे मेन रोड पे ले जाएगा, फिर हम मेन रोड से पैदल जाएंगे नीचे की तरफ को, और ये रास्ता थोड़ा ज़्यादा अच्छा है ना, गाड़ी आती है इस जगह पे, तो आपकी जो कोई बाइक या कार है वो ईजिली आप इस जगह पर पार्क भी कर सकते हैं। काफ़ी सही लग रहा है इस जगह पर, और अब हम सीधे मिलते हैं आपसे रोड पर। और गाइस जब हम यहाँ पे चाय पीने आए थे तो हमें यहाँ पे दो भैया मिले, एक सत्येंद्र भैया और नीरज भैया, एक बार मैं आपको उन दोनों से मिलवाता हूँ, और वो यहीं पे ड्यूटी कर रहे हैं। सो ये है सत्येंद्र भैया और नीरज भैया, दादा हाय बोल दो। हाय, और कुछ बोल दो, चले जा रहे हैं यार अपना छोटा भैया, हमें तो इसको सब लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। और गाइस भैया दोनों भैया काफ़ी स्मार्ट है, एकदम हैंडसम, और भैया ने एक्टिंग भी करी है साथ में, काफ़ी कुमाऊनी गानों में एक्टिंग भी करी है। क्या भाई अपना इसका चैनल सब्सक्राइब कर दें, आप लाइक करें, वीडियो देखें, अच्छी वीडियो बनाते हैं। और गाइस जब आप इस तरफ से गर्जिया की तरफ जाएंगे तो आपको दोनों भाई ही मिल जाएंगे, तो कभी आप इस तरफ से जाएं तो भैया को हाई बोलते हुए जाइएगा। और गाइस अभी हम जा रहे थे चोर पानी की तरफ को, और ये रास्ता उस तरफ जा रहा है, और हमने देखा यहाँ पे एक हिरन है, और ये बिल्कुल बाउंड्री के बगल पे खड़ा है, तो एरिया है यहाँ पे, आपको इजीली वाइल्ड लाइफ के जो भी जानवर होते हैं वो आपको इजीली मिल जाते हैं यहाँ पे। कभी कभी लोगों ने यहाँ पे इस एरिया में टाइगर भी देखा है, सो ये इसको एकदम बेफिक्र होकर खा रहा है, और ये हमारी तरफ भी देख रहा है, देखिए नजदीक आएगा, रुक जाए। और गाइस अभी हम जा रहे थे चोर पानी की तरफ को, और मैंने आपको बताया था हमें जो डियर दिखे थे, और अभी हमें दो भैया मिले हैं, आपको इंट्रोड्यूस करा दो दोनों से। भैया मेरा नाम है चंदू थापा। हाय गाइस मेरा नाम है गौरव नैनवाल। और गाइस दोनों भैया यही मिले थे और अक्सर मिलते रहते हैं हमें,
सो इनसे बात करें, इन्होंने हमें बताया उस वाली जो नई वाली वैरायटी थी उसके बारे में इन्होंने बताया, उसे काकड़ कहते हैं। और भैया थैंक यू सो मच आपने उसके बारे में बताया। अमित भाई के सब्सक्राइबर ही हैं, सारे वीडियो देखता हूं मैंने, अमित भाई के बहुत वीडियो देखे, मतलब इनका जो कॉन्फिडेंस है ना कैमरे के सामने, एक अल्टीमेट कैमरा। इन्होंने अभी मतलब अभी चैनल खोला था इनका, जो अभी ये ब्लॉग चैनल है, मैं इनका पहले वीडियो से देख रहा हूं और मैंने इतना नोटिस किया है कि बंदे के अंदर शुरू से इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है और आप लोगों ने मुझे पता है इनको प्यार भर भर के दे रखा। बहुत बहुत जल्दी इनके 1000 सब्सक्राइबर आपके बहुत जल्दी पूरे हुए हैं ना। बहुत जल्दी है। और यार बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे वीडियो बनाते हो। आपका जो कटारमल वाला वीडियो वो बहुत बेस्ट था, आपने अल्टीमेट डिस्क्रिप्शन में बोला उसके बारे में, बहुत अच्छा डिटेल के बारे में बोला, बहुत बढ़िया लगा। ऐसे ही तरक्की करते रहे भाई, बहुत ज्यादा थैंक यू सो मच। सो गाइस हम लोग जा रहे थे चोर पानी की तरफ को और रास्ते में डियर दिख गए थे और दो भैया लोग मिल गए थे। और गाइस काफ़ी अच्छा लगता है जब आपको आपके सब्सक्राइबर मिल जाए रास्ते में चलते हुए, सो बहुत अमेजिंग वाली फील आती है। गाइस अभी हम जिस जगह पर रुके हैं यह है बेलगढ़ गांव, आप मेरे पीछे रोड देख रहे हैं, ये जा रही है क्यारी की तरफ और क्यारी एक बहुत ही अमेजिंग और ब्यूटीफुल प्लेस है और एकदम नदी से लगा हुआ गाँव है। सो आपको एक ब्लॉग वहाँ का भी बना के दिखाएंगे, बट फिलहाल अभी हम चाह रहे हैं घर की ओर। सो गाइस चलते घर की तरफ। और गाइस घर से आया था कॉल, घर वालों ने मिर्च मंगाई है, सो मिर्च लेके चलते हैं यहाँ से और हरी मिर्च लेके जानी है। तो हरी मिर्च हाँ 10 की कर देना। और गाइस हरी मिर्च भी ले लिए और मैं और रोहित अब जा रहे हैं घर की तरफ। और जिस जगह पे अभी हम रुके हैं ये है बैलपड़ाव और यहाँ से हमारा घर 5 किलोमीटर दूर है, सो अब सीधे चलते हैं घर पे। सो गाइस फाइनली पहुँच गए घर पे और घर पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है, घर पे पहुँच के एकदम सुकून सा लगता है। और गाइस अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। सो गाइज़ अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अगली वीडियो में।